हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आपके पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि वो अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। उन लगता है कि गलती उन्हीं की थी, उनकी वजह से ही रिश्ते में दरार आई है। और अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं होती, कोई मिलना नहीं है, तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो अभी अपने आप पर ही नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही सब कुछ, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी कुछ हुआ है, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। वो खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास है। आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लाया है और आपके पर्सन ने आपसे उस थर्ड पार्टी की वजह से दूरी भी बना ली, मूव ऑन भी कर लिया कुछ के पर्सन ने। तो इस बात का भी पछतावा है आपके पर्सन को। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ये भी बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं गाइस। पहले तो आपके पर्सन ने आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन अब वो करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसी उनकी अभी की एनर्जी है। पास्ट में तो बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया, आपको चीट किया, आपसे बातें छिपाते रहे, आपको धोखा देते रहे और आपसे झूठ भी बोले हैं आपके पर्सन ने। थर्ड पार्टी भी आई है उन्हीं की वजह से। तो अब इन सब गलतियों को भी वो समझ रहे हैं और वो चाहते हैं आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा से ठीक करना। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है गाइस। आप लोगों को पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का जो भी है, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बस आपको प्रॉब्लम यही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, इसकी वजह से आप लोग परेशान रहते हो, स्ट्रेस में दिखाई देते हो। और आपके पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है। उनके काम भी में भी प्रॉब्लम है और उन्हें पैसों की भी दिक्कत हो सकती है। और आपके पर्सन को हेल्थ इशू भी हैं, ऐसा भी है। और फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ चल रही है। तो इस वजह से ही आपके पर्सन आप ही की तरह अपनी लाइफ को भी पहले बैलेंस में लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो उनकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी है गाइस कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है आप लोगों के रीयूनियन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी आपके पर्सन के ही साथ है और वही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है, जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, आपके रीयूनियन में जो डिले हो रहा है, आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसकी वजह ये भी है कि अभी यूनिवर्स ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ लेसन उन्हें मिलने हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अगर यूनिवर्स चाहते तो सब कुछ अभी हो सकता है, लेकिन वो अभी डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपके पर्सन को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है, जो आपके साथ रहकर उन्होंने नहीं सीखा, वो उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर सीखेंगे, आपसे अलग होकर सीखेंगे। इसी वजह से आज आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जब वो आपके साथ थे तब तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की, जब वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई तब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब आपके पर्सन इसी वजह से सोच रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें लेसन मिले हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, उनसे अलग रहकर भी आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, आप किसी प्रकार से दुखी नहीं हो, ये आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बिल्कुल हैप्पी हो, आपके साथ सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं। आप लोग भी परेशान हो क्योंकि आपके पर्सन से आप की अब कोई बात नहीं हो रही, आपके पर्सन से आप दूर हो चुके हो, इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि आपके साथ सब कुछ सही है, बस उन्हीं के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये आपके पर्सन को लगता है। और आप दोनों जब रिश्ते में थे गाइस तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही होगी आप लोगों की। कभी भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते, कभी भी आपको छोड़कर वो चले जाते, ऐसा उन्होंने किया होगा आपके साथ। लेकिन अब वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबल होना,
स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना वो चाहते हैं, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो वहाँ संभालें कि यहाँ संभालें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और उन्हें ये भी लगता है कि वो आपके लिए परेशान हो रहा है, लेकिन आप शायद उन्हें याद नहीं करते, आप अब शायद उनके बारे में सोचते नहीं, आप अपनी लाइफ में उनके बिना भी खुश हो, तो ये सारी बातें भी आपके पर्सन सोचते हैं क्योंकि आप उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे अपनी साइड से, या उनके सामने आप कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहे कि आप उनके लिए परेशान हो। तो शायद इसी वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनको अब याद भी नहीं करते, कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ये आपके पर्सन को लग रहा है, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही आपको याद कर रहे हैं, वही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये सारी बातें भी आपके पर्सन सोचते हैं। तो जब रिश्ते में इमैच्योरिटी आपके पर्सन ने दिखाई, आपके पर्सन ने समझदारी तो दिखाई नहीं थी और इसी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, तब ये सारी बातें सोचनी चाहिए थी कि रिश्ते को बचाकर रखना है। उस समय तो आपके पर्सन को सिर्फ अपनी अपना ही फ़ायदा दिख रहा था कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही है, उनके साथ उनका फ़ायदा है, आपके साथ तो कुछ मिलने वाला है नहीं सिवाय प्यार के, यही आपके पर्सन को लगा था। तो इस वजह से उस समय तो आपके पर्सन ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई और अब परेशान हो रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि वही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है उनकी। तो ये सारी बातें पहले समझनी चाहिए थी, अब परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम है तो वो उन्हें लेना चाहिए क्योंकि वो खुद चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके पर्सन को अब एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी उनको और लेसन मिलने हैं, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाह कर भी चाहते तो हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि अभी और कुछ सीखना है आपके पर्सन को, जो उन्होंने आपके साथ रहकर नहीं सीखा उस थर्ड पार्टी के साथ वो रहकर सीखेंगे। और लेसन आपके पर्सन को मिल भी रहे हैं, आपकी वैल्यू अब उन्हें समझ में आ रही है, आपके प्यार की कदर अब आपके पर्सन कर रहे हैं। तो आप समझ गए गाइस कि आपके पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ रीयूनाइट होना, लेकिन अभी कुछ वो नहीं कर सकते, अभी इसमें टाइम लगेगा। वो चाहते तो हैं करना, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते। और मैं आपको फिर एक बार यही बात कहूँगी जो पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सालों बीत गए और आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, ठीक है, आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, आज भी सालों बीत गए और आप बैठे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और जो जिनका अभी अभी रिश्ता ख़राब हुआ है, अभी कुछ महीनों की ही बात है या साल दो साल, वो और आपको ये पता है कि आपका पर्सन आपके लिए लॉयल था और किसी वजह से वो आपसे अलग हुआ है, किसी मजबूरी की वजह से, और आपको अगर लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ सकता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए एक्शन ले सकता है आज नहीं तो कल, तो आप उनका इंतज़ार करें तो समझ में आता है। लेकिन जब आप खुद देख रहे हैं कि वो जहाँ है वहाँ खुश है, आपसे उसे कोई लेना देना नहीं, सालों बीत गए उसने कभी आपसे ना हाल पूछा ना आपकी तरफ उसने बढ़ने की कोशिश की, और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसमें गलती आपकी है, उस इंसान की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पर्सन का नेचर आप जानते हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आपको पता है कि वो कैसा इंसान है, अगर वो धोखा देकर गया है तो आपको तो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, अगर आप उसको मौका दोगे तो आपको फिर धोखा देगा, ये भी बात है। और अगर आपका पर्सन आपको धोखा देकर नहीं गया, वो लॉयल था आपके लिए, लेकिन उसके साथ ही कोई प्रॉब्लम थी, कोई मजबूरी थी उसकी, जिसकी वजह से उसे अलग होना पड़ा है, तो ऐसे इंसान की बात अलग होती है, उसका आप इंतज़ार करें तो समझ में आता है। फिर उसमें भी आपको ये होना चाहिए ना, आप श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, अगर आपको ऐसा कुछ वो बताता है, ठीक है, आपसे ऐसा कुछ वो कहता है। लेकिन जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, अपनी दुनिया में ही मस्त है, उसका इंतज़ार करके अपनी लाइफ को ख़राब करना बेकार है। तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अगर लंबे समय से आप उनका वेट कर रहे हैं तो, और आपको ये लगता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ आज भी नहीं है, वो आपसे कभी कुछ कहते नहीं, कभी अपनी फीलिंग आपको बताते नहीं, तो आप भी मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको अच्छे से जी लो, किसी के लिए रो के और परेशान होकर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। और लेट गो करना सीखो, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उन्हें भूलना सीखो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के पीछे भागोगे कि उसे हासिल मुझे करना ही है, तो आप सिर्फ परेशानी रहोगे, आप हासिल नहीं कर सकते। और आप बिल्कुल लेट गो कर दोगे उस चीज़ के बारे में, आप ध्यान ही नहीं दोगे ना, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, और वो चीज़ अगर आपके लिए बनी है तो वो खुद चल के आपकी तरफ बढ़ती है, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेट गो करना सीखो, किसी चीज़ को लेकर बैठे मत रहो, उसके लिए परेशान होते मत रहो।
तो आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलेगी। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। किसी और को प्यार आप तभी दे पाओगे जब आप खुद से प्यार करोगे। तो खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।